रावण के समान विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति आज तक इस धरती पर नहीं हुआ। रामायण के अनेक प्रसंगों से केवल रावण की क्रूरता का ही नहीं अपितु महानता का भी पता चलता है। आज हम द डिवाइन टेल्स पर रावण की ऐसी महानता के विषय में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। लंकापति रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो प्रजापति पुलस्त के पुत्र थे। पुलस्त सप्त ऋषियों और ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे, अर्थात रावण ब्रह्मा के प्रपौत्र थे। लेकिन रावण ने उनके मार्ग पर न चलते हुए अधर्म का साथ दिया। रावण की शिवजी के लिए भक्ति भावना से तो हम सभी परिचित हैं। जब रावण शिवजी की तपस्या में लीन था, तब उसने अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। तब शिवजी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सिर में पड़ी माला, जिसमें 10 सिर दिखाई देते थे, हर टुकड़े का सिर बना दिया। यह माला रावण को उसकी माँ ने दी थी। शिवजी द्वारा दिए गए 10 सिरों के कारण ही रावण को दशानन कहा गया। रामायण में उल्लेखनीय है, जब भगवान राम ने रावण से युद्ध करने के लिए लंका तक पुल का निर्माण करना आरंभ किया, तो शिवजी की आराधना की, क्योंकि यह युद्ध राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वो शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करके इस कार्य को आरंभ करना चाहते थे। परंतु शिवजी की आराधना करने के लिए एक यज्ञ संपन्न करना था, जो केवल सबसे विद्वान पंडित के द्वारा ही संभव था, क्योंकि उनका युद्ध सर्वशक्तिशाली व्यक्ति से था। राम जी को ज्ञात था कि रावण ही सबसे बड़ा विद्वान पंडित है। तब राम जी ने रावण को यज्ञ करने के लिए निमंत्रण भेजा। चूंकि रावण स्वयं शिवजी के भक्त थे, शिवजी का यज्ञ करने से वो इनकार नहीं कर सके और राम के निमंत्रण पर वो यज्ञ करने के लिए रामेश्वरम पधारे और यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ पूरा होने के पश्चात राम जी ने रावण को ही युद्ध में परास्त करने के लिए रावण से आशीर्वाद मांगा और रावण ने महानता का परिचय देते हुए उत्तर दिया, तथास्तु। तो मित्रों, रावण की इस महानता के विषय में आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही और भी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।